हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, रोड टू ग्रैंडमास्टर सीजन 40 का ये हमारा एपिसोड नंबर 4 होने वाला है, जहां पर कि हमारा रैंक स्कोर हो चुका है 7263 एंड हम 4000 यानी कि ग्रैंडमास्टर 2 पे भी यहां पर चल रहे हैं। तो यहां से हम रैंक पुश करेंगे आगे के लिए एंड आज के दिन में हमें टाइटल भी मिलेगा। तो देखते हैं हमें कौन से रैंक का टाइटल मिल पाता है। एंड स्टैटिक्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर टोटल कितने गेम्स खेले वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पर अपने गेम्स खेले 135, जिसके अंदर 77 भूया भी निकल चुके हैं। बात करें गाइस लीडर बोर्ड की, तो लीडर बोर्ड के अंदर हम 52 नंबर पे चल रहे हैं 77 विंस के साथ। एंड वही AWM की बात करें तो हम 84 नंबर पे गिर चुके हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि मैं केवल सोलो खेल रहा हूँ विदाउट आईडी शेयरिंग, तो मुझे भी यहाँ पर नीचे जब मैं ऑफलाइन रहूंगा उस टाइम तो मेरी आईडी नीचे जाएगी। ठीक है, खैर देखते हैं हमें कौन से नंबर का टाइटल मिल पाएगा। तो चलो फटाफट से मैच को स्टार्ट करते हैं। ओके। अब आज के पहले मैच की बात करें तो मेरे 3 किल निकल चुके थे, लास्ट के 3 ही बंदे अलाइव है। मेरे पास AWM है, साथ में शॉटगन भी है, एक बंदा सामने की साइड है एंड जैसे ही निकलेगा उसको डैमेज भी देंगे। वो बंदा वॉल मार रहा है, वहां पर निकलेगा इस साइड से डैमेज, जस्ट एक ही गोली का है, लॉन्चर मारते हैं। ओके, 45 का डैमेज आया और फाइनली खत्म। FGL 24 से यहाँ पर ये फिनिश हो जाता है। एंड मैंने यहाँ पर आज ड्रेस भी चेंज करी है, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप ड्रेस चेंज करो, तो एक या दो गेम के अंदर मैंने ड्रेस भी चेंज करी है। तो चलो अभी लास्ट के 2 ही बंदे बचे हुए, बाकी उनको फिनिश करते हैं, हमारा ये वाला मैच भूया निकल जाएगा। राइट साइड एक बार चेक कर लेते कोई ना हो। ओके, इस साइड में एक बंदा डैमेज, एक गोली का है, लॉन्चर मारते हैं। एक और बंदा उसी साइड चले गया है एंड उसने मेरा किल भी ले लिया। खैर वेट, इसको खत्म करते हैं। हेडशॉट, सोनिया एक्टिव और फाइनली खत्म। तो इसके अंदर हमारा पहला मैच 5 किल के साथ निकल जाता है, भूया भूया भूया। एंड ये वाला मैच हमारा डेली मिशन का मैच भी था, तो यहाँ पर टोटल हमको 50 का प्लस मिल जाता है एंड साथ साथ 2 की स्ट्रीक भी। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो मेरे 6 किल निकल चुके थे एंड सेफ जोन में मेरे को जाना था, तो मैंने फटाफट यहाँ पर लॉन्च पैड का यूज किया, जिसका यूज करके मैं सीधा इस बिल्डिंग के छत में आ जाता हूँ। एंड यहाँ उतरते ही मेरे को एक और एनिमी दिखता है, जिसको मैं M10 से फायर करता हूँ, हेडशॉट के साथ खत्म भी कर देता हूँ। पीछे से एक और बंदा डैमेज दे रहा था, बट चलो आगे की साइड निकलते हैं, और भी बंदे यहाँ पर दिख रहे हैं नीचे वाली साइड। ओके, एक बंदा आया डैमेज। ओके, फाइनली खत्म एंड 8 किल हमारे निकल चुके हैं। अभी जस्ट लास्ट के 3 ही बंदे बचे हुए हैं, तो मुझे यहाँ से नीचे निकलना था, तो मैं फटाफट नीचे आता हूँ एंड यहाँ पर फटाफट से ग्लू वॉल भी मार देता हूँ, क्योंकि सामने वाला बंदा डैमेज भी दे रहा था। खैर अभी जस्ट इसको फिनिश करते हैं, 2 ही बंदे बचे हुए हैं एंड मुझे यहाँ से बाहर तो निकलना पड़ेगा, वॉल तोड़ते हैं। ओके, वो बंदा राइट वाली वॉल पे है एंड उधर से कोई बंदा ग्रेनेड भी मार रहा है। फिर मेरे पास ग्लू मेल्टर है, इसकी वॉल वगैरह तोड़ देते हैं। फिर यहाँ से एम आएगा, उसने फिर से ग्लू वॉल कर दी। एक और बंदा अंदर वाली साइड है, इसकी वॉल फिर से तोड़ते हैं। ओके, डैमेज, एक गोली का बचा है, इसको भी थोड़ा सा डैमेज। चलो एक बंदा तो फिनिश हो चुका है, जस्ट लास्ट का ही एनिमी बचा हुआ है एंड हमारी 10 किल के साथ भूया निकाल सकते हैं। बाकी इस बंदे ने अपने आप को पैक कर लिया है, काम करता हूँ यहाँ से मैं भी पैक कर देता हूँ एंड अभी लगता है हील बैटल करना पड़ेगा। ओके, मैंने जोन डैमेज तो ले लिया, साथ साथ मेडिकेट मारना भी स्टार्ट कर दिया। ओके, इसने स्काइलर मार दिया और फाइनली खत्म। तो 10 किल के साथ हमें ये वाला मैच भी निकल जाता है, भूया भूया भूया, जिसके अंदर हमको टोटल 33 का प्लस मिल जाता है। अब इसके बाद जैसे ही मुझे 10 किल के साथ ये वाला मैच भूया निकलता है, तो मैं बैक करता हूँ एंड देन मेरा यहाँ पर ग्रैंड मास्टर 3 फिर से लग जाता है। तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर 3 लग जाता है एंड इसके वजह से मैं स्कोर को चेक करता हूँ, तो मेरा स्कोर यहाँ पर हो चुका था 7430, जिस वजह से मेरा ग्रैंड मास्टर 3 लग चुका है। तो आप बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाली मैच की, तो मेरे 4 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 4 ही बंदे अलग थे एंड सामने एक बंदा भी था, जिसपे मैं यहाँ पर नेट की बारिश कर देता हूँ। लेट्स सी यहाँ पर एलिमिनेट होता है या नहीं। ऑलराइट, वो बंदा तो खत्म हो चुका है, बाकी अभी लास्ट के 3 ही बंदे हैं, तो फटाफट यहाँ पर से लूट कंप्लीट करते हैं एंड फिर सीधा फटाफट नीचे की साइड निकलते हैं, क्योंकि जोन यहाँ पर वेंडिंग मशीन की साइड पे है। अब यहाँ पर लूट कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैं जोन में आता हूँ, तो लास्ट के यहाँ पर 2 ही बंदे बचे हुए हैं, बाकी एक बंदा यहाँ पर वेंडिंग मशीन के पास में है, ग्लू वॉल लगा के वेट कर रहा है एंड एक बंदा स्नाइपर टावर के ऊपर है। तो यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को मारना तो पड़ेगा। बाकी मेरे पास ग्लू मेल्टर वगैरह भी पड़े हैं, तो पहले इस पर फेंक देते हैं एंड नेट भी बचा है, तो इसको फेंक दे, क्या पता एलिमिनेट हो जाए। वॉल तो टूट रही है उसकी एंड उधर से वो बंदा भी उसकी वॉल तोड़ रहा है, डैमेज। एक और ग्लू मेल्टर डालते हैं, अभी जस्ट उसको एक और गोली पड़ जाती तो वो एलिमिनेट हो जाता। ये मेरे पे रश ही कर दिया है, और फाइनली खत्म, जस्ट लास्ट का बंदा एंड वो बंदा भी ग्रेनेड कर रहा है वहां से।
एक बारी सुपर मैडी लग जाए बस। रिपेयर किट, फटाफट निकलते हैं। भाई साहब मेन टाइम पे तो इसने क्रोनो ही ऑन कर लिया, अच्छा बंदा लग रहा है। एंड इसके पास शॉटगन है शायद, इसके बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो मेरी वेस्ट थोड़ी देर में ही तोड़ देगा। ओके आ रहा है, रोटेट कर रहा है, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। ओके हेड तो पड़ा है उसको, बट मैं भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हूँ। और फाइनली ख़त्म, भाई मेरी वेस्ट ही टूट गई थी बट फाइनली उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। इसी के साथ हमारा 7 किल के साथ ये वाला मैच भी निकल जाता है बूया, जिसके अंदर हमको टोटल यहाँ पर 30 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। अगले मैच की बात करें तो यहाँ पर मेरे 6 किल निकल चुके थे, लास्ट के यहाँ पर 2 ही बंदे लाइव थे, एक बंदा यहीं पर राइट में है। इस पर रश करते हैं, डैमेज, चलो सोनी एक्टिव एंड फाइनली ख़त्म। जस्ट आखिरी का एनिमी बचा हुआ है, लास्ट में इसको हेडशॉट भी पड़ गया है। खैर इसको फटाफट लूट करते हैं, एंड वो बंदा भी राइट में ही है, मेरे पास लैंडमाइन है, इसको वेस्ट कर लेते हैं। बाकी वेट करते हैं, यहाँ पर से अपने पास ग्रेनेड है, फेंकते हैं, इसके पीछे छुपा होगा। ओके डैमेज और फाइनली ख़त्म। इसके अंदर हमारा ये वाला मैच भी निकल जाता है बूया बूया बूया। एंड ये वाले मैच के अंदर हमको टोटल 8 किल मिलते हैं, एंड साथ साथ हमको टोटल यहाँ पर 33 का प्लस भी मिल जाता है। अब बात करें गाइस ये वाली मैच की, तो इस वाली मैच के अंदर मेरे पास डबल एडलम थी, एंड काफ़ी टाइम के बाद मैं डबल ओम का यूज़ कर रहा था, बट यहाँ पर डबल ओम का इतना ग्लिच डैमेज आ रहा था ना, मैं सोच ही नहीं सकता था। मतलब मैं जितना जल्दी स्विच कर रहा हूँ एडलम का डैमेज ही नहीं पड़ रहा, एंड मैंने एक बंदा पीछे से भी मार रहा है। वेट, पहले सामने वाले को ख़त्म करते हैं, वो जोन से निकल के आ रहा है। डैमेज 199 का डैमेज आया और फाइनली ख़त्म। जस्ट आखिरी कहीं एनिमी बचा है एंड उसको ख़त्म करते ही हमारा पहला डबल एडब्ल्यूएम के साथ बुया निकल सकता है। बाकी देखते हैं इसको एलिमिनेट कर पाते या नहीं, पेड़ के पीछे है। एंड मेरा नेटवर्क भी काफ़ी लो चल रहा है, बार बार येलो पिंग आ रही है। ओके वेट, इसको डैमेज देते हैं, इसकी वॉल तोड़नी पड़ेगी अपने को। 159 का डैमेज फिर से, क्योंकि अपने पास शॉर्ट रेंज है नहीं, तो इसकी वॉल ही ख़त्म करनी पड़ेगी। उस बंदे ने डिमिट्री तक ऑन कर लिया, फिर से वॉल तोड़ते हैं। अब इस बंदे में मैं कंटिन्यू यहाँ पर वॉल पे फायर करता है, एंड बंदा वॉल लगाए जा रहा था, एंड मेरा नेट ग्लिच भी कर रहा था, जिस वजह से वॉल पे भी उतना डैमेज नहीं पड़ रहा था। एंड मैं यहाँ पर वॉल मारने का ट्राई करता हूँ, एंड देखो मेरी वॉल कितनी लेट लग रही थी। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये बंदा मेरे को एलिमिनेट भी कर सकता है। ये मेरी ग्लू वॉल के पीछे आ गया, आगे निकलते हैं। उसने ग्लू मेल्टर डाल दिया। ओके डैमेज, फिर से डैमेज, भाई दो बार शॉट कनेक्ट कर रहा हूँ बट यहाँ पर काउंट ही नहीं हो रहा। इसकी वॉल अब तो ख़त्म हो गई होंगी शायद, मेरे पास मेल्टर वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा है। अभी लास्ट वाला एनिमी इतनी देर तक होल्ड कर रहा था ना कि लास्ट में एकदम क्लोज में जाके ही मारेगा। वेट आ गया, डैमेज भाई लग जा, एक शॉट कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके वेट, पैक करना पड़ गया फिर से, चले मैडी करते हैं। मेरी एमओ तक इतनी कम हो चुकी है इसकी वॉल पे फायर करते करते, पता नहीं यहाँ पर मैं जीत भी पाऊँगा या नहीं। भाई इसने लैंडमाइन तक लगाई हुई है। डैमेज और फाइनली ख़त्म। भाई मतलब एकदम चांस लक की वजह से मेरे को ये वाला मैच भूया निकल गया, एंड ये वाली मैच के अंदर को 5 किल के साथ भूया निकलता है, जिसके अंदर को टोटल यहाँ पर 30 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते गाइस अगले मैच की ओर, 2 की स्ट्रिक बन चुकी है। अब बात करें गाइस ये वाली मैच की, तो यहाँ पर एक बंदा था जिसको मैंने स्किल ब्लॉक कर दिया, एंड साथ साथ एडब्ल्यूएम का डैमेज भी दिया है। ओके पीछे भाग रहा है, डैमेज एंड पीछे वाले बंदे ने मेरा किल ही चोरी कर लिया। वेट, हेडशॉट, चलो भाई साहब उसके पास भी एडब्ल्यूएम थी, हमने उसको फिनिश में कर दिया, एंड लास्ट के अभी 3 ही बंदे बचे हुए हैं, हमारे 7 किल निकल चुके हैं। बाकी अभी के टाइम पे रिपेयर किट इतनी ज़्यादा हो चुकी है गेम के अंदर, मतलब लूट तो वैसे भी मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बट रिपेयर किट इतनी मिल जा रही है, हर एक बंदे के पास 20-25 रिपेयर किट तो मिल ही रही है। एंड आप लोगों को हाइएस्ट कितना रिपेयर किट मिला है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे को शायद 50 या 50+ मिला था। बाकी एक बंदा सामने, ओके वेट, हेडशॉट, उसने यहाँ पर डिमिट्री ऑन कर लिया, शायद निकलना पड़ेगा जल्दी जल्दी, वो बंदा हील हो जाएगा। ऑलराइट वो हील हो चुका है, लॉन्चर डैमेज, चलो ख़त्म।
एंड जस्ट लास्ट का एक ही बंदा बचा हुआ है एंड हमारे 8 किल निकल चुके हैं। बाकी यहाँ पर भी देखना कितनी सारी रिपेयर किट है, 8-8, 9-9 रिपेयर किट यहाँ पर भी थी। कह रहे अभी जस्ट फटाफट लास्ट वाले बंदे को ढूंढते हैं। अब काफी टाइम वेट करने के बाद उनको लास्ट वाले एनिमी दिख जाता है, उसको डैमेज भी दे दिया। बाकी लॉन्चर मारते हैं एक और बार कि निकला वो डैमेज, चलो नॉक हो चुका है बट उसने मेरे को काफी गंदा डैमेज दिया एंड फाइनली खत्म। तो इसके साथ हमारा ये वाला मैच भी निकल जाता है बूया बूया बूया, वो भी 9 किल के साथ। एंड ये वाली मैच के अंदर वो टोटल यहाँ पर 30 का प्लस मिल जाता है। अब बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं अकेले खेल रहा हूँ यानी कि विदाउट आईडी शेयरिंग, तो यहाँ पर रात के 12 बज चुके थे एंड मेरे को फिर सोने भी जाना था, तो इसीलिए मैं 12 बजे के बाद सोने के लिए निकल जाता हूँ। एंड जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो हमारा वेपन ग्लोरी का टाइटल भी हमको मिल जाता है, जो कि हमको काफी पीछे मिलता है यानी कि इंडिया का टॉप 66 का टाइटल मिलता है एंड टॉप 4 दिल्ली एंड टॉप 1 डिस्ट्रिक्ट का। बाकी यहाँ पर और भी टाइटल मिले, टोटल मिलाकर हमको 8 टाइटल मिल जाते हैं एंड सुबह के टाइम। तो चलो यहाँ पर टाइटल तो हमको मिल चुके हैं, बाकी आप रैंक भी देख सकते हो कि हमारी रैंक कितने पीछे हो चुकी है। फिर से हम 3965 नंबर पे जा चुके हैं यानी ग्रैंड मास्टर 2 पे पहुंच चुके हैं फिर से हम। अब मैं चाहता तो मैं भी अपनी आईडी शेयर करके खिलवा लेता एंड साथ साथ इजिली मैं टॉप 5 यानी ग्रैंड मास्टर 5 पे बैठे रहता, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर अकेले खेलते हो, देन मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अकेले खेलूं एंड जितना पुश हो सकेगा उतना ही मैं करूंगा। मतलब कि जितना एक नॉर्मल प्लेयर पुश करके रह सकता है हम उतना ही रहेंगे एंड टोटल हम ट्राई करेंगे ग्रैंड मास्टर पे भी रहे एंड साथ साथ कुछ टाइटल भी ले सके। एंड अभी की बात करी जाए तो हम यहाँ पर टाइटल के मामले में कितना पीछे हो चुके हैं, मतलब टाइटल तो हमको 66 का मिला बट यहाँ पर अभी हम 78 नंबर पे आ चुके हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम फिर से 66 पे जाने का ट्राई करेंगे। तो फटाफट अभी मैच को करते हैं स्टार्ट। चलो। अब अगली मैच की बात करें तो मेरे 4 किल निकल चुके थे एंड लास्ट का एक ही बंदा अलाइव था। अब इसको मारने के लिए मैं क्या टेक्निक अपना तो आप लोग ही देखो। एंड मेरे पास यहाँ पर ग्लू वॉल की काफी कमी हो गई थी, मतलब मेरे ग्लू मेल्टर से ये बंदा काफी सारी वॉल तोड़ देता है, जिसके बाद कि अभी यहाँ पर 1-1 की फाइट एंड मेरे पास यहाँ पर एक मॉन्स्टर ट्रक भी पड़ा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर लूट करा था। तो मैंने फटाफट यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक को मंगा दिया। अब जस्ट मेरे पास एक ही वॉल बची हुई है यहाँ पर एंड इस बंदे ने यहाँ पर ग्लू मेल्टर भी डाल दिया है। तो अभी जैसे ही यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक आएगा इसको पकड़ लेंगे। ऑलराइट आ चुका है एंड यहाँ पर मैंने इसको उड़ा भी दिया एंड फाइनली इसको शॉट गन एंड AWM का शॉट मार के खत्म भी कर दिया, जिसके बाद हमारा ये वाला मैच 5 किल के साथ निकल जाता है बूया बूया बूया। एंड साथ साथ हमारा यहाँ पर रैंक मास्टर से इलाइट मास्टर भी कंप्लीट हो जाता है। एक टाइम पे तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी आईडी ब्लैकलिस्ट जा चुकी है, मतलब कि इलाइट मास्टर क्यों शो कर रहा है। खैर इसके बाद हमारा 52 का प्लस मिलता है एंड साथ साथ 3 की स्ट्रिक भी। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की तो मेरे 2 किल निकले थे, लास्ट के 4 ही बंदे अलाइव थे। एक बंदा मेरे सामने की साइड ही है एंड एक बंदा इधर से आ रहा है। वेट, अंदर फुटस्टेप तो आ रहा है। ओके रहा डैमेज और फाइनली खत्म। एंड जस्ट अभी एक और बंदा है सामने की साइड, वो भी आएगा और क्या ही हेडशॉट पड़ा इसको, जंप हेडशॉट और फाइनली खत्म। एंड हमारे 4 किल निकल चुके हैं एंड लास्ट के भी 2 ही बंदे अलाइव है, बाकी इसको लूट कर लेते हैं। स्नाइपर एमओ वगैरह भी मिल चुकी है। ओके एक बंदा ऊपर है, हेडशॉट, चलो ये भी नॉक हो चुका है बट एंड उसके पास इंजेक्शन होगा तो वो रिवाइव भी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं फटाफट ऊपर की साइड निकलते हैं एंड वो बंदा रिवाइव हो भी जाएगा तो थोड़ा बहुत हमें भी निकलना पड़ेगा। तत्सुए का यूज करते हैं ऊपर को। अब जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूँ ये बंदा पेड़ के पीछे या मेडी मार रहा था एंड मैं इसको शॉट कनेक्ट करता हूँ। 113 का डैमेज भी आता है, बस जस्ट एक ही गोली का है लॉन्चर एंड फाइनली खत्म। एंड जस्ट अभी एक आखिरी का ही एनिमी बचा है तो फटाफट इसको लूट करते हैं एंड जस्ट लास्ट वाले एनिमी को फिनिश करके बुया ले लेंगे। अब लास्ट वाले एनिमी को ढूंढते ढूंढते मेरे को काफी देर हो चुकी है, वो बंदा मेरे को दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पर है। अगर मेरे पास यहाँ पर हिटलिस्ट का ऑप्शन होता तो बेटर रहता है, कम से कम उस एनिमी की लोकेशन तो मिल जाती। ओके किसी ने फायर किया शायद नीचे साइड। ओके राइट साइड डैमेज दे रहा कोई, शायद उस पेड़ के पीछे है। एक बार चेक कर लेते हैं, जाना भी पड़ेगा हमको वॉल मार के ही जाना पड़ेगा। अगर स्कैनर भी अपने पास होता तो बेटर रहता। ओके उधर किसी ने ड्रॉप भी मंगा रखा है, उसकी लाइट डिप कर रही है बार बार। ओके ओके वो रहा एंड भाई सब उसके पास यहाँ पर वाला कैरेक्टर है कैरोस, मेरी वेस्ट एकदम से डैमेज हो गई थी। ओके निकल के आएगा डैमेज, लॉन्चर मारते हैं एक और मुकोंग बनाए और फाइनली खत्म। तो इसके हमारे 6 किल के साथ ये वाला मैच भी निकल जाता है बूया बूया बूया।
एंड ये वाली मैच के अंदर हमको टोटल प्लस मिल जाता है यहाँ पर 28 का एंड साथ साथ दो की स्ट्रिक भी। अब इसके बाद जैसे ही मैं बैक करता हूँ हमारा ग्रैंड मास्टर 3 फिर से अचीव हो जाता है, यानी कि हमारा ग्रैंड मास्टर 3 फिर से लग चुका है। तो फाइनली गाइस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं एंड हमारा करंट स्कोर अभी हो चुका है 3408 एंड अभी यहाँ पर दो स्कोर पीछे चले गया। खैर यहाँ पर आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं एंड हमारा करंट स्कोर एंड रैंकिंग भी आपको दिखा देते हैं। लीडर बोर्ड की बात करी जाए तो हमारे यहाँ पर टोटल विंस 90 निकल चुके जिस हम 46 नंबर पे आ चुके हैं एंड वहीं बात करें AWM की तो AWM के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं टॉप 66 के अंदर, यानी कि फिर से हम वही रैंक पे आ चुके हैं जहाँ पर कि हमारा यहाँ पर टाइटल मिला था। बाकी आप लोग अगर वीडियो पे अभी तक बने हुए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि मुझे कौन से रैंक का टाइटल अगले वीक तक लेना चाहिए एंड जो अकेले खेल के पॉसिबल हो प्लीज वही करना। ऐसा नहीं कि आप टॉप 1 बोलते हो वो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि अकेले खेल के यहाँ पर टॉप 1 करना इजी नहीं होगा, मतलब हम करेंगे धीरे धीरे, देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। बाकी आपके पास कितने टाइटल बचे हुए आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो टोटल हमारे 160 गेम्स के अंदर 90 बुयान निकल चुके हैं एंड 11.29 का KD रेशियो भी बन चुका है। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।